भी पैरेललोग्राम में, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोई डायगोनल बना दिया जाए, ये कर्ण या डायगोनल जो होता है ये दो ट्रायंगल में जो डिवाइड करता है, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है, ये दो ट्रायंगल कांग्रेंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये एक थ्योरम है, आइए इसको प्रूव करते हैं। देखिए ये है ए, ये है बी, ये है सी डी, ये हो गया और डायगोनल है ए सी। तो देखिए हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से कुछ चीजें, दो ट्रायंगल बन गए उसमें प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए और हमें कांग्रेंट के रूल्स के हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज हमें ढूंढनी है दोनों ट्रायंगल में कि इक्वल होनी चाहिए, जिसमें एक साइड का होना बहुत जरूरी होता है एंगल, और एक साइड जरूरी हो। अगर तीनों एंगल बराबर आ जाते हैं तो वो समरूप होता है, सिमिलर होता है, सर्वांगसम नहीं होता। तो सर्वांगसम के लिए क्या है कि जब दो एंगल हो तो एक उनके बीच की साइड भी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या बराबर है। पैरेललोग्राम है, इसमें अपोजिट साइड्स एंगल्स बराबर होते हैं। तो एंगल ए, एक प्रॉपर्टी क्या मिली आपको, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन थी, पैरेललोग्राम है, तो अल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं। इस एंगल का एंगल सी और इस ट्रायंगल का एंगल ए बराबर, दो मिल गए। इधर चाहें तो ये भी ले सकते हैं आप, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, मतलब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, अल्टरनेट है, एकांतर कोण है, इसलिए बराबर हैं। अब एक साइड होनी चाहिए, देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ए सी है, तो एक प्रॉपर्टी मत लिखिए, तीन ही लिखी जाती हैं। तो ये आपको मिल गया ए सी, ये दोनों में है कॉमन है, ए सी है, ये कॉमन है। तो इस तरीके से आपको तीन प्रॉपर्टी मिलती हैं। तो दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सर्वांगसम हैं, तो हम लिख देते हैं, इसलिए किससे रूल्स क्या होता है, दो एंगल और बीच की एक साइड है, तो ए एस ए, ये रूल लगता है कि एंगल साइड एंगल, तो इससे ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाते हैं। सर्वांगसम का साइन कैसे बनता है, ए के सिमिलैरिटी का रूल, सिमिलर हैं एंड दो लाइन ये खींचते हैं, ये पैरेलल हैं, सिमिलर और इक्वल, पैरेलल नहीं इक्वल, अगर सिमिलर और साइड्स इक्वल हैं तो उसे हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कांग्रेंट हैं। तो यही प्रूव करना था हमें कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में एक डायगोनल बना दिया जाए तो उसके दो इक्वल कांग्रेंट ट्रायंगल बन जाते हैं। तो देखिए आपने इसे जान लिया, अपने मित्रों को भी बताइए और सिखाइए, आप सीख गए हैं दूसरों को सिखाइए। धन्यवाद।